तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंतर्गत अध्याय 5 स्वतंत्रता संग्राम, इसके कारण और परिणाम, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए, वैसे तो हमने अपनी इस कक्षा में पूरा ब्रिटिश कालीन इतिहास पढ़ा है, जो कि इतिहास को भी काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जूनियर क्लासेस जो होती है, 3 क्लासेस होती है, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, उसी हिसाब से इतिहास को भी 3 भागों में बांट करके इसमें पढ़ाया गया है। तो अभी पिछले अध्याय में हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में कंपनी राज का विस्तार आदि को पढ़ा। अब हम पहुंचते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से, चाहे वो उनकी राजाप नीति रही हो, चाहे सहायक संधि की नीति रही हो या औपनिवेशिक नीति रही हो, सभी नीतियों से लगभग भारत के सभी हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया और फिर वे अपने मनमाने तरीके से भारत पर शासन चलाने। अब इसी क्रम में देखते हैं कि लॉर्ड लॉजी, जिसकी राजाप नीति थी, वो भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजी राज का गवर्नर जनरल बनकर के आया। इसे अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है, क्योंकि 1857 के बाद भारत में गवर्नर जनरलों का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर यहां 22 राय बना दिया। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर पूर्णतया से विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में विदेशी शासन, जो ब्रिटिश कालीन सत्ता थी, वो छल बल, मतलब छल के द्वारा या बल के द्वारा, सैन्य बल मतलब सैनिक ताकत से, या अर्थबल, अर्थबल का मतलब होता है कैसे धन पर टिका हुआ या धन की ताकत, इस पर टिका हुआ था। किंतु जब हम 1757 की बात करते हैं, जहां आपको मैंने पढ़ाया था कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के समय जो हमारे देश की स्थिति थी, उसमें किसान, कारीगर, शिल्पकार और राजा तथा सिपाहियों और अग्रणियों के बीच में विद्रोह या विवाद उत्पन्न होने लगे। इसके पूर्व भी, पहले की भी और बात कर ले हम, तो समय समय देश के विभिन्न भागों में कई विद्रोह हुए, क्योंकि अंग्रेज अपने मनमानी तरीके से राज चलाते थे और भारतीय कृषकों या राजाओं या जो दूसरे यहां छोटे तबके के लोग थे, जैसे कारीगर, शिल्पकार आदि, उन सभी को, उनके उद्योगों को, चूंकि वो कुटीर उद्योग चलाते थे, उनको ठेस पहुंचाते थे। तो इस तरीके से हमें बीच बीच में विद्रोह होते रहे। इन विद्रोह में यदि हम बात करते हैं तो 2-3 विद्रोह आते हैं। पहला विद्रोह है कि सन्यासियों और फकीरों के द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए संघर्ष या विद्रोह। देखिए, अब इसमें आया सन्यासी और फकीर। चूंकि भारत में अंग्रेजों से पहले मुस्लिम सत्ता काबिज हो चुकी थी और उससे पहले अपनी हिंदूवादी सत्ता थी, तो चूंकि हिंदू धर्म के अनुसार सन्यासी और मुस्लिम धर्म में उन सन्यासी को ही फकीर के नाम से जाना जाता था, जो धर्म के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते थे
तो अंग्रेजों ने इन सभी पर किसी दूसरे प्रकार के दबाव बनाए जिससे कि इनमें असंतोष की स्थिति बनी और इन्होंने विद्रोह कर दिया। उसी समय सिपाहियों का विदेशी शासकों और विदेशी प्रशासन के विरोध में विद्रोह हुआ। अब देखिए सैन्य बल की ओर बढ़ रहे हैं, सिपाही सैन्य बल का एक अंग होता है। क्या था उस दौर में जो भारतीय सिपाही थे और विदेशी शासक मतलब अंग्रेज शासक थे, तो वो लोग भारतीय सिपाहियों को बहुत निम्न दृष्टि से देखते थे, उनके वेतन भत्ते में बहुत कम हुआ करते थे। लिहाजा इन सभी को देखते हुए सिपाहियों ने भी ब्रिटिश सरकार के विरोध बीच बीच में विद्रोह किया। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे देश में पहले से ही अनुसूचित जनजातियों के कबीले थे जो अपने क्षेत्र में अपनी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में रहते थे। इनमें मध्य प्रदेश में भील जनजाति थी, बंगाल बिहार में संथाल जनजाति थी, उड़ीसा में कोल गौंड, इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे मेघालय है जिसमें खासी आदि जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह हुआ। चूंकि ये जंगलों पर अपना अधिकार रखते थे किंतु ब्रिटिश कालीन सरकार ने उन सारे जंगलों पर अपना अधिकार कर लिया। इनके जो काम थे या जो इनकी अपनी जीविकोपार्जन के साधन थे उनको अंग्रेजों ने लगभग या तो समाप्त कर दिया या उन पर अपना नियंत्रण कर लिया, जिससे कि इन लोगों ने अंग्रेज सरकार के विरोध में विद्रोह कर दिया। अब आगे हम पढ़ते हैं जब ये विद्रोह हुए तो ये विद्रोह साधारण विद्रोह थे, छोटे थे। अंग्रेजों के पास में बहुत बड़ी ताकत थी, अर्थबल भी था और सैन्य बल भी था। लिहाजा अंग्रेजों ने इन सभी विद्रोहियों को दबा लिया। इसके बाद ये अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा। अंग्रेज उन विद्रोहों को दबाते रहे लेकिन भारतीय उन विद्रोहों को जारी रखने में सफल रहे। समय बीतता रहा, सन 1857 का समय आया जिसमें क्या हुआ, एक व्यापक विद्रोह की योजना बनाई गई अंग्रेजों के विरोध में। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः है सन 1857 की क्रांति, सन 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। देखिए हुआ क्या, अंग्रेजी सत्ता भारत में लगभग 1700 के आसपास शुरू हुई, अंग्रेजों अपने अधिकार करने शुरू कर दिए। इससे पहले क्या था, वो लोग व्यापारी के रूप में कार्य कर रहे थे, किंतु उन्होंने सन 1700 के आसपास अपना राजनीति महसूस करना शुरू कर दिया और आपसी भारतीय राजाओं को या नवाबों को आपस में लड़ा करके उनके सत्ता पर काबिज होने लगे। तो लगभग 150 वर्षों का समय अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय राजाओं में संस्थाओं में भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक धार्मिक सामाजिक न्यायिक दखल देना शुरू कर दिया। सन 1700 से लेकर के 1850 के बीच में जो 150 वर्षों का समय हुआ इसमें अपनी सभी क्षेत्रों में उन्होंने दखलंदाजी शुरू कर दी। भारत में प्रभुत्व वर्ग का अर्थ है एक प्रकार से जिनका प्रभाव समाज में ज्यादा था, जो लोग ताकतवर थे। बालों को भी सीधे ठेस पहुंची। अब ये प्रभुत्व वर्ग में कौन आई, फिर से शासक, इनको भी उन्होंने ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया। शासक और जनता के बीच में संदेह का माहौल बनना शुरू हो गया, चूंकि अंग्रेजों ने इसी तरीके के बीच बो दी। अब 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह, क्रांति से तात्पर्य विद्रोह, उसके प्रमुख कारण कौन कौन से रहे, तो देखिए चूंकि अंग्रेजों ने सभी क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, चाहे वो राजनीतिक थे, चाहे आर्थिक थे, चाहे धार्मिक थे, चाहे सामाजिक थे, चाहे न्यायिक थे, तो ये सारे के सारे 1857 की क्रांति के कारण रहे। तो आज हम 1857 की क्रांति के दो कारणों पर बारीकी से प्रकाश डालेंगे।
तो पहला जो हमारे पास में कारण था वो था आर्थिक कारण, पहला कारण था आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक। ये आर्थिक कारण में क्या था कि सर्वप्रथम ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति, औपनिवेशिक शक्ति मतलब ये जो व्यापारिक कंपनियां थी उनकी जो शक्ति थी, भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपने अर्थव्यवस्था का पूरा बना रहा, कहना मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी इसे अपना पूरा मतलब पूरे भारत में अपनी ही बाजार व्यवस्था उन्होंने लागू कर रही थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारत उपनिवेशिक उपनिवेश राज्य मतलब बाजारों का अड्डा बना और इंग्लैंड विदेशी साम्राज्य को आवश्यकता अनुसार अपना कच्चा माल जैसे कपास और नीम जैसे जो कच्चे माल थे उनको देता था। इसके पीछे जो कारण रहे वो फिर ये रहे कि इस कच्चे माल से जैसे अब कपास कच्चा माल था सूती वस्त्र बनाने के लिए है नहीं, तो कच्चे माल से मशीनों से ज्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे दाम पर बेचते थे। कहने का मतलब हमारे देश से कच्चा माल लोग ले जाते थे, उस माल से वहां मशीनों के द्वारा चूंकि इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था 16वीं शताब्दी में, वहां उनसे वस्तुएं निर्मित करते तैयार करते और उन्हीं वस्तुओं को भारत में ला करके ऊंचे दामों पर बेचते। ऊंची दरों पर करों के कारण चूंकि जो दरें थी इतनी ऊंची कर रखी थी कि उन पर जो कर लगते थे भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ, निर्यात होता था बहुत प्रभावित, कर की दरें बहुत ज्यादा कर रखी थी। भारतीय शिल्प की दशा, शिल्प का मतलब था जो भारतीय शिल्पकार थे शिल्पकार में छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करते थे उनकी दशा बिगड़ती चली गई क्योंकि अंग्रेजों ने इनके विकास के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो तो अपना विकास कर रहे थे ना कि भारतीयों का। आगे और प्रश्न कई उठे हैं कि अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योग, क्योंकि भारत में उस समय कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग चलते थे जो हथकंडा उद्योग होते थे, वस्त्र बनाए जाते थे तो वो सूत काट करके चरखों के माध्यम से बनाए जाते थे, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन ऐसी छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे जो यहाँ चलते थे। अंग्रेजों ने इन सभी उद्योगों को चौपट कर दिया और जिससे कि इन कार्यों में लगे हुए लोगों की स्थिति बदतर होती चली गई। उसी समय कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आई जैसे अकाल की स्थिति, क्योंकि उस दौर में अकाल, अकाल का तात्पर्य एक तरह से वर्षा न होना, जब वर्षा न होगी तो फसलें न होंगी, वर्षा न होगी फसलें न होंगी तो कृषकों की स्थिति बदतर होती चली गई, क्योंकि भारत वास्तव में कृषि प्रधान देश है और अपने ही पहले से ही कृषि प्रधान देश है। तो इस तरीके से उनके करों की दरों में कोई भी कटौती नहीं हुई, उधर अकाल और गरीबी के कारण किसान समस्या से जूझ रहे थे, फलस्वरूप उनमें भी असंतोष की स्थिति बनी। इस तरीके से ये हमारे आर्थिक कारण रहे। इसके बाद दूसरे हमारे राजनीतिक कारण आते हैं, जितना प्रकार करते हैं अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत को अपना अधिकार कर लिया किंतु फिर भी यहां पर जो तत्कालीन भारत का राजा था सम्राट घोषित कर रखा था वो थे बहादुर शाह जब जो आपके सामने। यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप में अंग्रेजों के हाथ में थी फिर भी शासन जो था वो दिल्ली के सुल्तान मुगल बादशाह के नाम से चलता। कहने का मतलब वास्तविक सत्ता तो अंग्रेजों के हाथ में थी किंतु राजा कौन था भारत का उस समय, मुगल बादशाह था बहादुर शाह चैपक, राजा वो रहता था लेकिन वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रहती थी। यह देश की एकता का एक प्रतीक भी था। अंग्रेजों ने तत्कालीन
जो सम्राट था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करना शुरू कर। सोचते थे कि ये तो राजा है लेकिन इसकी जरूरत क्या है, जब पार्श्व सत्ता तो हमारे हाथ में है, तो जो चाहते थे उस तरीके से अपने कार्य से करवाते थे, अपमानजनक व्यवहार करते थे। फलस्वरूप 1835 में कंपनी ने सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया, क्योंकि उस समय में सिक्के जारी होते थे, उन पर जो राजा होता था उसका चित्र अंकित हुआ करता था, किंतु अंग्रेजों ने उसे भी हटा दिया 1835 के कंपनी अधिनियम के। उससे पहले जब सत्ता में क्रांति, उससे पहले डलहौजी की विलय नीति थी जिसमें उसने देशी राज्यों को अपने राज्यों में मिलाया, जैसे कई राज्य थे सताराम नागपुर झांसी निसंतान राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी, पूरे उत्तराधिकार के नियम से वंचित करने के बाद उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, ये भी एक सत्तावनी क्रांति का कारण बना। तो इस तरीके से अंग्रेजों की नीति राजनीतिक कारण बने। अब उसी दौर में यदि हम पहुंचते हैं तो देखें लॉर्ड डलहौजी था, वो डलहौजी ने बहुत से शासकों पर कुशासन का भी आरोप लगाया, उनके राज्यों को अपने राज्य में ला लिया, किंतु अब सोचिए जो राजा हुआ करते थे उनकी भी सेना होती थी और सेना में सिपाही होते थे, तो उन सिपाहियों को हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, किंतु उनके जो रोजगार था वो रोजगार उनसे छीन लिया गया, कहने का तात्पर्य अपनी सेना में उनको भर्ती नहीं किया गया, जिससे कि उन सैनिकों में भी असंतोष की स्थिति बनी। इसके अतिरिक्त अमृतसर के द्वारा जिम्मेदार लोग थे, उस समय जो जिम्मेदारी प्रथा चलती थी, तालुकेदार थे, तालुकेदार कहते हैं जो जिम्मेदारों के नीचे एक छोटे राज्यों के, राज तो नहीं कह सकते, छोटे छोटे जो रजवाड़े होते थे उनके मालिक होते थे जिन्हें जागीरें कहते थे, तो वो उनके भूमि पर मालिकाना हक बनाया, इसके कारण कर वसूली में छूट, जिसके कारण किसानों में असंतोष की स्थिति, क्योंकि बड़ा तबका तो किसानों का है भारत में। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली थी वो इतनी ज्यादा पेचीली हो गई कि जिसमें जो भारतीय छोटे कामगार लोग थे उनको पूर्णतया से न्याय नहीं मिल पाता था, न्यायचित थी, जिसके कारण भी राजनीति में लंबी प्रक्रियाएं होने लगी, फलस्वरूप भारतीयों में असंतोष की स्थिति बनी। इसके अलावा और भी हम देखें जो भारतीय लोग होते थे उनको योग होते हुए भी निम्न पदों पर रखा जाता था, जबकि अंग्रेजों को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। इस तरीके से राजनीतिक कारणों में ये सभी बिंदुओं को हमने देखा, फलस्वरूप आर्थिक और राजनीतिक कारणों के आधार पर सत्तावन की क्रांति ने आगे चल के एक बड़ा रूप लिया। अब इसके अतिरिक्त और भी जिसके कारण मैंने तुम्हें बताए हैं, जैसे सामाजिक है, धार्मिक है, सैनिक है, उन कारणों पर हम अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए